आपने कहा है कि हम जल्द एसपी साहब को और डीएफ साहब को बात करेंगे और जल्दी से जल्दी वो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। हमारे लोगों की एक ही मांग है, जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक इनके पुलिस और वन विभाग के पकड़ में नहीं आया है। तो हमारा एक ही कहना है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जिन जिन लोगों की ये चैन है उस पूरी कड़ी को खोजा जाए और जो जो अपराधी हैं उन सबको पकड़ा जाए और उन्हें जेल में लिया जाए और आगे ऐसी घटना नहीं हो, यही हमारी मांग है। क्या लगता है बड़ा प्रकरण हुआ और ये कुछ लोग सरकार के पक्ष के भी खड़े हैं, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? अब देखो, सरकार के पक्ष के हैं या नहीं है वो तो सारे, अभी तो हम एक हैं, हमारी सब लोगों की एक ही मांग है कि जो अपराध किया है उनकी कोई पीछे अपराधी बचना चाहिए नहीं चाहिए और निरअपराधी कोई पकड़ा नहीं जाना चाहिए, बस एक ही बात है। जो कोई भी अपराधी है जिसमें मुख्य अपराधी आज तक हमेशा कोई भी शिकार होता है उसमें मुख्य अपराधी बच जाते हैं, इसलिए उनको आँच आती नहीं है, वो नई गैंग खड़ी कर देते हैं और ताकि आगे से आगे वापस शुरू कर देते हैं। तो हमारी मांग है कि मुख्य आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, यही हमारी सबकी मांग है। नील सर, जितना बड़ा प्रकरण यानी 10 से 12 तो सबूत मिले और भी पता नहीं कितना शिकार हो, ऐसा आपने सुना बाबजी कभी? ऐसा हमने पहले कभी नहीं सुना और शायद हमने किसी ने भी नहीं सुना होगा इतने बड़े हिरणों का शिकार और वो पूरे लगभग इतने बड़े 10-12 हिरणों की बॉडियां वहाँ मिल जाना, ये बड़े दुख की बात थी और हमें बहुत बड़ा दुख हुआ, इसीलिए लोगों ने बहुत बड़ा रोष था, प्रशासन का विश्वास किया और उसके कारण हमने धरना स्थगित किया। अभी तक हमारा धरना समाप्त नहीं है, प्रशासन जो उचित कार्रवाई नहीं करेगा तो ये पूरे NGO संगठन संस्थाएँ और हम संत महात्मा और वन्य प्रेमी सारे साथ में रह के और आगे धरना शुरू करेंगे और बहुत बड़ा धरना होगा, इतिहास उसे याद करेगा। क्या लगता था इतना शिकार करके ये कंपनियों में सप्लाई होता था या बड़ी होटलों में, आपका क्या कहना है उसे? अब ऐसा है, इसमें देखो छोटे मोटे इतने बड़ा गिरोह है तो ये बड़े नेटवर्क में ही है, कंपनियों की होटलों के उनका माध्यम होटलों से है, होटलों का माध्यम कंपनी से है, आगे तो आखिर ग्राहक तो बड़े लोग जो बाहर के हैं वही हैं और हमें ये पूरा अंदेशा है कंपनियों और जो होटलें हैं जिस होटलों में ऐसा होता है तो प्रशासन को ये तो सब मालूम होता है कि कहाँ होता है वो, इनकी पकड़ने की जो अच्छी नीयत हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये पकड़ सकते हैं। मुख्य आरोपी कौन है, क्या नाम है उसका? किशन देशांतरी है, जो दोड़िमना का है, जो पूरा माल है वो उनको बाकी वाले ये शिकार करते हैं और उसके बाद में एक है मांगता का आयदान राम और आयदान आके किशन को सप्लाई करता है, आयदान राम तक तो पकड़े हुए हैं, बस जो मुख्य आरोपी है किशन देशांतरी उसको अभी पकड़ा नहीं गया है। सक्तराम इब्राहिम और उसके साथ में दो और आरोपी है मुख्य जो उस दिन घटना में साथ थे, वो भी अभी तक नहीं पकड़े गए। नाम बताएं? हाँ, एक का नाम सक्ताराम है, एक सक्ताराम, एक ये किशन देशांतरी, दो अभी तक नहीं पकड़े गए मुख्य आरोपी।